जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। ट्रैफिक रिफॉर्म्स कमेटी, ये क्या है, इसके बारे में हमने जानना है, क्या तजावीज पेश की गई है, ये कमेटी बनी कैसे, हेड किसने किया, ये तमाम चीजें आप तक पहुंचानी है, क्योंकि ट्रैफिक के मामलात पिछले कई महीनों से तब्दील हो रहे हैं। हेलमेट का इशू हो, ई चलानिंग का इशू हो, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखते हैं। आज भी इन डेप्थ जो कि इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचानी है, इसीलिए हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है CTO को कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब और हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले लियाकत साहब, ट्रैफिक रिफॉर्म्स कमेटी बनती है, उसका जो इजलास है वो सेफ सिटी अथॉरिटी में होता है, और सेफ सिटी अथॉरिटी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं अकबर नासिर खान साहब, इसको चेयर करते हैं, इसको हेड करते हैं, तो क्या इसमें तजावीज दी जाती हैं? ये जो 16 साल की उम्र वाले तालिबे इल्म हैं उनके लिए लाइसेंस का इजरा, ये बात किस तरह से मुमकिन हो सकती है और ये क्यों बनाने की जरूरत क्यों पेश आई कानून? जी देखें, एक तो पहली बात ये है कि अभी कोई कानून ऐसा बना नहीं है, शायद कहीं ये बात डिस्कस जरूर हुई होगी क्योंकि आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। और ये ट्रैफिक रिफॉर्म्स कमेटी की जब हम बात करेंगे तो DIG ट्रैफिक पंजाब जो है, ही इज द पर्सन बेसिकली जिसने ट्रैफिक के ऊपर कोई भी मामलात के ऊपर कोई सजेशन जो देनी है और जो पूरे पंजाब के ऊपर इम्प्लीमेंट होनी है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो वो बेसिकली उस चैनल से ये चीज आनी है और फिर ये चीज डेलिब्रेट उस पर किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना डिस्कशंस के बाद फिर IG साहब जो भी पॉलिसी देंगे वो अकॉर्डिंगली थ्रू DIG ट्रैफिक तमाम जो 36 हमारे इजला हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट। अच्छा, लेकिन साहब आपने कहा कि आप भी इस मीटिंग में नहीं थे और DIG साहब वो भी इस मीटिंग में नहीं थे। जी ऐसा ही है, मुझे तो न्यूज आइटम से ही पता चला है जी ये कि कोई इस तरह का कोई डिसीजन हुआ है, लेकिन वो डिसीजन आई डोंट नो, मुझे उसका डिटेल्स नहीं पता कि क्या डिस्कशन हुई है, क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन साहब आपकी इजाजत से इस सवाल का जवाब हम फयाज मलिक साहब से ले लेते हैं। फयाज मलिक साहब, एक मीटिंग होती है जिसका नाम ही रखा जाता है ट्रैफिक रिफॉर्म्स कमेटी, और उसमें ट्रैफिक एहलकार और चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर या DIG चीज शामिल नहीं होते, तो फिर ट्रैफिक से इस मीटिंग का लेना देना क्या है? देखें मदिया, पहली बात तो ये है कि ये जो मीटिंग है ना, ये सिर्फ मीटिंग है। ये बाज़ुकात होता है कि ऑफिसर्स के पास ना काम करने के लिए कोई काम नहीं होता तो वो कहते चले मीटिंग कर लेते हैं, तो ऐसे ही ये एक मीटिंग का अहतमाम किया गया, कुछ ऑफिसर्स वहाँ बैठे, ट्रैफिक रिफॉर्म्स का नाम दे दिया गया, उन्होंने कहा जी ये इशू बन रहा है शहर की सड़कों पर, चले इसको ट्रैफिक रिफॉर्म्स का नाम दे देते हैं, ट्रैफिक रिफॉर्म्स का दे दिया। फिर उन्होंने सोचा अच्छा कोई नई बात करते हैं, फिर उन्होंने 16 साल की तजवीज़ दे दी। अब मुझे ये बताएं, लाइसेंस जो है वो रिफॉर्म्स कमेटी ने तो नहीं इसको इजरा करना? लाइसेंस का इजरा दुनिया का मुश्किल तरीन काम है मगर पाकिस्तान का आसान तरीन काम है, जिसका दिल चाहता है वो उठता है वो लाइसेंस बनवा लेता है। देखें, ट्रैफिक रिफॉर्म्स कमेटी में CTO ना हो, CTO का नुमाइंदा हो, CTO का नुमाइंदा जो है वो SP भी हो सकता है, DSP भी हो सकता है, एक समझदार पुराना सेक्टर इंचार्ज भी हो सकता है, मगर इस पूरी रिफॉर्म्स कमेटी में आपको ना ट्रैफिक का नुमाइंदा कोई नहीं मिला। तो ये बिल्कुल ऐसी है ना, जैसे मैंने आगाज में आपको कहा कि मेरे पास काम करने के लिए कोई काम नहीं है तो चलें एक मीटिंग रख लेते हैं, तो मीटिंग रख ली तो मलिक साहब नहीं वहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम हो रहा है सेफ सिटी में, और उन्होंने गुड नहीं देखे लियाकत भाई, ये आप कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। देखे, जिस कमेटी में ट्रैफिक का मुतलका नुमाइंदा ही नहीं है, वो मीटिंग किस तरह ट्रैफिक रिफॉर्म्स की हो गई भाई? शहर की सड़कों चले नहीं, उसमें कुछ तजावीज डिस्कस हुई होंगी, हम इंशाल्लाह उनको देख लेंगे, वी विल डिस्कस दैट और उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने तो एक कहा कि अगर इसको आगे बढ़ाना है तो हम जरूर इसको मिशन को आगे लेकर जाएंगे। 16 साल का एक स्टूडेंट कह लें, स्टूडेंट ना भी हो, 16 साल का एक शहरी जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होता है, क्या मुमकिन है कि 16 साल का वो शहरी जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उसको लाइसेंस दे दिया जाए? देखें, इसके ऊपर हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। दुनिया के जो बेशतर ममालिक हैं वहाँ पे 18 साल ही एज लिमिट है, लेकिन चंद एक ममालिक हैं जहाँ पे 16 साल पे भी लाइसेंस इशू हो रहे हैं। एक तो ये बात है, दूसरा हमने अपना एनवायरनमेंट यहाँ का देखना है कि क्या 16 साल के बच्चे के ऑलरेडी वो बाइक्स तो लेके फिर रहे हैं, क्या उसको लाइसेंस टू किल उसको इशू किया जाए कि ना किया जाए? ये वही जो हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने रूल्स और प्रोसीजर्स तो बनाए हुए हैं लेकिन स्टिल ये वो चीज़ है, इसमें ह्यूमन एलिमेंट है साथ, क्योंकि जिसने टेस्ट ले रहा है ना, समटाइम वो बहुत लीनियंट है, समटाइम वो बहुत सख्त है। अभी मतलब मुझे, मैं ये नहीं है कि मैं बल्कि इसको सेल्फ प्रेज की बात नहीं करूंगा, बल्कि इसको ये कहूंगा कि लोग मुझे बेजा सख्ती की तरफ समझते हैं कि जी जब से CTO साहब आए हैं, मैंने बाकायदा लोगों के टेक्स्ट पढ़े हैं,
जो लोगों ने कहा जी इन इलेक्शन हो गया इन जा लैन दो तो फिर लाइसेंस बना देंगे कोई इशू नहीं है, तो वो यानी थोड़ी सी हमने सख्ती की है कि चीज़ें लोगों को पता हों, इशारे पता हों, गाड़ी चलाना आती हो, जो बेसिक्स हैं उसकी रोड सेंस उसकी असेस हो जाए, तो उसकी वजह से हमने थोड़ी सी सख्ती की है, फेल होने वालों की तादाद बढ़ना शुरू हो, कई जगहों पर बहुत नरमी भी होगी। तो अगर हम बहुत नरमी करने के बाद ऊपर से 16 साल वाले को धड़ाधड़ रोड के ऊपर लीगलाइज दे के कर देंगे तो शायद उसके फवायद की बजाय नुकसान ज्यादा हो, लेकिन स्टिल ये एक सजेशन होगी, इसके ऊपर जाहिर है डिबेट होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह, और मैं तो ये करूंगा अगर इसके ऊपर इंशाल्लाह डिबेट होगी तो हम इंशाल्लाह सिटी ट्रैफिक पुलिस सेमिनार करवाएगी जिसमें हम जो है ना साफियों को भी बुलाएंगे, जो कानून के से रिलेटेड लोग हैं, लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, लॉयर्स हैं, इवन रिटायर्ड जजेस को हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी आए, पब्लिक के लोग भी आए, वो अपने अपने व्यूज दें, उसके बाद फिर करना चाहिए कि वी वांट टू डू इट। तमाम वो नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि 16 साल के जो भी शहरी होंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा, ये सिर्फ अभी तजवीज है, इसके ऊपर अभी काम होना बहुत ज्यादा बाकी है, आगे भी बढ़ते हैं। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं, अब मुझे ये बताएं, मैं तो पहले इस तजवीज पे बड़ा मुस्कुरा भी रहा हूँ, प्रोग्राम में भी देख रहे हैं सब, मैं समझ नहीं आ रही कि लाइसेंस जो है वो आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक शनाख्त है, लाइसेंस पे आपका आईडी कार्ड का जो डिजिट है वो आता है, आपका एड्रेस आता है, मुझे नहीं समझ आती ये कि 16 साल के बंदे को बच्चे को जब आप बच्चा मैं उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा आप उसको लाइसेंस देंगे तो आप उसकी आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे, उसकी शनाख्त में क्या उसके वालिद का आइडेंटिटी कार्ड का नंबर लिखेंगे। कहा गया है ना कि अभी तजवीज़ है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा अभी बाकी है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है और बातें मैंने बहुत ज्यादा करनी है, आगे मुझे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये कहा जा रहा है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करने का जो मुर्तकिब शख्स होगा उसका अकाउंट भी मुंजमित करने का जो तजवीज है वो दी गई है, तो वो बैंक अकाउंट होगा कैसे मुंजमित करेंगे, अकाउंट से कैसे रिलेटेड होगा ये चीज? वो भी तजवीज मैंने पेपर से ही देखी है कि अकाउंट अभी तक हम चेक डिसऑनर वालों का तो अकाउंट मुंजमित नहीं कर सके, तो जिसने 200 रुपए की वायलेशन की है उसका अगर हम बैंक अकाउंट मुंजमित करना चाहते हैं तो आई डाउट कि वी विल बी एबल टू डू दैट, लेकिन अगेन अगर कहीं किसी लेवल पे ये डिस्कशन होती है तो डेफिनेटली विल गिव आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये चीज़ें तो वाकई इस तरह होनी चाहिए कि जो भी बंदा छोटे से छोटा भी जो मुलज़म है, हम तो अभी जो लाखों की तादाद में इश्तियारी हैं जो यहाँ पे चेक डिसऑनर का मुलज़म है और दूसरे शहर में उसने अकाउंट भी खुलवाए हुए, उसका आईडी कार्ड भी काम कर रहा है, वो पासपोर्ट पे बाहर भी जा रहा है, तो पहले तो डकैतों को और चोरों के अकाउंट मुंजमद किए जाना मेरा ख्याल है प्रायोरिटी में पहले आता है। आई डोंट नो कि वी कैन मैनेज दिस और हैंडल दिस एट दिस स्टेज और अदरवाइज। सिर्फ 200 रुपए के लिए एक शहरी का अकाउंट मुंजमद करना ये है, ये प्रैक्टिस है मगर फॉरेन कंट्रीज में है, मगर ये चालान के हवाले से है कि कोई आधी चालान है, जैसे कि हम रास्ते में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों सेफ सिटी अथॉरिटी ने कुछ 20 के करीब ऐसी गाड़ियां पकड़ी जो कि नाहिंदगान थी सेफ सिटी के ई चलाने। एक्शन कर दूं, सेफ सिटी अथॉरिटी नहीं पकड़ती, ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है। मैं उसमें बताने लगा, किस्मती ये है, बदकिस्मती ये है, मैं जो कैमरा है ना, कैमरा चालान नहीं करता, लीगली चालान वार्डन करता है, वार्डन इज द ट्रैफिक वार्डन ऑफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस, ठीक है ना, जो हमारी बेसिक उसकी है ना रूल जो अमेंडमेंट समरी गई हुई है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो सिर्फ आइडेंटिफाई करेगी वायलेशन, वो दैट वायलेशन विल बी हैंडेड ओवर टू द ट्रैफिक वार्डन विल एनालाइज इट एंड देन ही विल सेंड इन रिप्लिकेट, उसका चालान करके उसको भेजेगा साइन करके। क्योंकि अभी आप भी मौजूद हैं और हम लोगों को, मुझे एक वाकया भी याद आ रहा है, वो जो एक मोटरसाइकिल का चालान हुआ और उसके पीछे खातून बैठी थी और घर में झगड़ा हो गया, आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी होगी, वो झगड़ा कैसे हो गया, वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर तो जी ये आप बेहतर समझते हैं, या जो साहब का चालान हुआ उसको पता होगा किसकी है, हम ये वाली तफ्तीश ऑपरेशन वाली पुलिस करती है, लेकिन इसका हमें फायदा बहुत हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है, जब आपका पहले ये होता था जब मीडिया वाला का चलान होता था तो उधर ही कहता था तुमने जानता नहीं मैं तेरा उन्हें इलाज करना, तो अगले लम्हे बेचारा वार्डन सस्पेंड भी हो जाता था। अभी फायदा ये है कि 3 दिन के बाद जब मीडिया वाले को घर चलान मिलता है ना तो बीवी पे तो वो गुस्सा कर नहीं सकता, वो घर से निकाल देगी, तो वो बेचारा फिर यही करता है कि वो बेबसी से हंसता है
सिर्फ वो चालान देखता है, वो बेवसी से हंसता है, हंसने के बाद वो सिर्फ इस चीज को देख रहा होता है कि दूसरी तस्वीर तो नहीं आई जिस तरह इस सूरत में आ गई है। तो बस उसी को बचाने के लिए और घर बचाने के लिए लोग तरले डाल रहे हैं। इसका हमें फायदा ये हो रहा है कि ट्रैफिक भी बेहतर हो रही है और कंप्लायंस भी बेहतर हो गई है और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर, इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तवक्को। अब जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का मामला था जो हम रास्ते में भी डिस्कस कर रहे थे कि एक गाड़ी फयाज मलिक साहब एक गाड़ी है और वो इस्लामाबाद की उसके ऊपर नंबर प्लेट है या कराची की नंबर प्लेट है और वो लाहौर में उसका वो ट्रैफिक की वायलेशन करती है। और एक और मसला ये भी है कि जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन का मसला है क्योंकि मालिकान बदल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं बदलती, तो ये चीजें कैसे ठीक होंगी? ये हमने अपने एक लास्ट प्रोग्राम में भी हमने आपके आपस में इस पे डिस्कस की थी। मैं आपको बता दूं कि ई चलान के बाद जब चलान आएगा ना, तो चलान आएगा उस बंदे के घर जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब एग्जांपल मेरे पास अगर इस्लामाबाद के नंबर, हमारे यहाँ रवायत है ना कि हम रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाते मलकियत। अब लोग आना शुरू हो गया है, मेरी अभी बात जैसे मैं पहले बता रहा था कि 33 चलान थे एक गाड़ी के, तो उसे जब ट्रैफिक पुलिस ने राउंड अप करके पकड़ा, थाने में लेके गए, तो उस बंदे ने तकरीबन 17,000 से 18,000 रुपया बैंक में जमा करवाया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना, अब एक गाड़ी के 33 चलान है, एक के 30 हैं, एक के 17 हैं, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है कि अब अगर हमने ये चलान जमा ना करवाया तो हम जो है हमारी गाड़ी पकड़ी जाएगी और किसी भी हालत में होगी। आ रही है ये तब्दीली और अवेयरनेस, यही तब्दीली है कि जिस तरह मैंने पहले बताया ना, एक तो वो तब्दीली है ना, वार्डनों को कोटपड़नी रोड के ऊपर बंद हो गई है अभी, ठीक है ना, क्योंकि चालान 3 दिन बाद घर पहुंचता है आपके। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो इश्यूज हैं डाटे में वो आना शुरू हो गए, कि अभी तो फेज वन में सिर्फ लाहौर की रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां, अगला पॉइंट हमारे जेन में ये आएगा कि डाटा इंटीग्रेशन होनी चाहिए पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की सेंट्रली होनी चाहिए, ताकि सिंध की गाड़ी भी यहां अगर वायलेशन करती है तो उसका कोई मैकेनिज्म हो के चालान उसका। चौथा उसमें ये आएगा इशू कि लोगों के एड्रेसेस ठीक नहीं है तो वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एक्साइज के डाटे में कई जगहों पर आप देखेंगे, कई जगहों पर निकला है ये पिछले दिनों कि एक बंदे के नाम पर शायद किसी जगह 27 गाड़ियां, एक के नाम पर कोई 220 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आएंगी जिसमें किसी की मेलाफाइडी से गलत काम हुए हैं, वो लाइमलाइट में आना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके अलावा क्लोन नंबर आ जाएंगे, मतलब एक नंबर है 7 गाड़ियों ने लगाया हुआ, तो उसमें वो भी जाली वाले भी आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना शुरू हो जाएंगे और ओवरऑल ये ना सिर्फ ट्रैफिक में नहीं बेहतरी आएगी बल्कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इससे बेहतरी आएगी। प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ट्रैफिक रिफॉर्म्स कमेटी में के अलावा जो वहां पे तजावीज दी गई, कुछ तजावीज आपने भी दी लेखक साहब, वो ये कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम आपके पास है, आपने तजवीज दी है कि उससे आप वो अफराद जो कि पुलिस को मतलूब हैं उनको भी इश्तिहारी मुलजिमान उनको भी पकड़ने में आप कुछ मदद कर सकते हैं। वो चीज है ना, एक है वो जो इश्तिहारी है, एक वो लोग हैं जो पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद रिलीज हुए और फिर दे आर एक्टिव क्रिमिनल्स। तो जब जो भी रिकॉर्ड याफ्ता लोग जिनका रिकॉर्ड मौजूद है CRO में, हमारे पास ऑलरेडी 18 हमारे लाइसेंसिंग सेंटर हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइसेस ऑलरेडी काम कर रही हैं, जो भी लाइसेंस बनवाने आता है उसका थंब इंप्रेशन लेते हैं, उस हमारे स्टोर में भी जा रहा है। उसको सिर्फ डाटे को अगर हम सिंक कर देंगे इसके साथ, इंटीग्रेट कर देंगे CRO के डाटे के साथ, तो जू ही वो थंब इंप्रेशन लगाएगा उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इमीडिएटली हम नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करेंगे, इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन उनको वांटेड होगा वो ले जाएंगे। तो आप देखें कि इस तरह ये बेसिकली हर पुलिस वाला, चाहे वो ट्रैफिक में है, चाहे वो ऑपरेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में, सिक्योरिटी में है, उसका बेसिक जो फंक्शन है हमारा वो है कि जो है ना लाइफ प्रॉपर्टी और ऑनर जो है वो शहरियों की, उसका तहफ़ यकीनी बनाना। तो हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि एक वो है, दूसरा आप देखें अगली स्टेज में, मैं अगले स्टेप पे ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो टिकटिंग सेंटर हैं लाहौर में वो 35 के करीब है और उनमें एवरेज इस साल की आज की डेट तक तकरीबन 18 लाख लोगों के चालान हुए हैं जिन्होंने विजिट किया है। तो आप देखें जब 18 लाख लोगों का एनुअली हम फिंगरप्रिंट लगवा रहे होंगे तो एक कितना बड़ा डाटा बैंक बनेगा और कितने क्रिमिनल उसमें फिल्टर होके आएंगे, तो उसका अल्टीमेटली फायदा अवाम को होगा। मैं आपसे दो सवाल करना चाह रहा हूँ। एक तो मेरा ये सवाल है, ये जो बायोमेट्रिक वाला है, ये आपने तजवीज दी है इन्वेस्टिगेशन को, DIG इन्वेस्टिगेशन को, आपने इस हवाले से खत भी लिख दिया। एक मेरा सवाल ये है कि माल रोड पे ये ई चलानिंग के जो कैमरेज लगे हैं सीसीटीवी के, माल रोड पे जब ट्रैफिक का फ्लो होता है तो आप ट्रैफिक जो है उसको मैनुअल कर देते हैं, इशारे से उसको आप हैंड पे ले आते हैं, तो क्या उस हैंड के दौरान जब कोई गाड़ी वाला, अमूमन वायलेशन तो उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है,
تو اس وقت کیا چلان بند ہو جاتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے پتہ چل سکے کہ جب آپ مینول ٹریفک چلا رہے ہوتے ہیں تب وہ کیمرے جو ہیں وہ آپریشنل ہوتے ہیں یا ان کو بند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سم ٹائم لمیٹیشن ایسی بن جاتی ہے، مثلا کہیں احتجاج ہو گیا، آپ نے ڈائیورژن لگانی ہے تو آپ مینولی اس کو آپریٹ کرتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی انتہائی جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کو، تو جب وہ یلو پہ بلنک کر رہا ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ چالان اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یلو سے ریڈ نہ ہو چالان ایشو نہیں ہوتا، وہ آٹو سسٹم ہے، وہ ریڈ ہوگا تو چالان ایشو ہوگا نا، تو وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں، سیف سٹی کے تعاون کے ساتھ ریڈیوس کر رہے ہیں، ہم نے آلریڈی بہت سارے لوگ جو پہلے جو ہے نا سگنل فری گزرتے تھے، میں نے گناہ اپنے ذمے لیتے ہوئے ان کی موومنٹ کو بند کر دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو فردر ہم ریڈیوس کر رہے ہیں تاکہ یہ اسمارٹ سگنل کا کانسیپٹ ہے وہی رہے، لوڈ مینجمنٹ سگنل خود کرے، ہمارا مینوئل عمل دخلی گریجولی اس میں سے ختم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک، وہ وہ آپ نے یہ کانسیپٹ بھی جو ہے کلیئر کر دیا ہے۔ آخر میں یہ بتا دیجئے، جو ہیلمٹ جو نہیں ہوگا، جس کے پاس اس کو پیٹرول نہیں ملے گا، اور جو رائڈر کے پیچھے کی سواری ہے اس کا ہیلمٹ، وہ جو اصول ہے یا پھر وہ رول ہے کب امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں ہمیں بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھلی سواری اگر لیڈیز ہے تو وہ کیسے ہیلمٹ پہنے گی۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پچھلی سواری اگر لیڈیز ہے تو وہ کیسے ہیلمٹ پہنے گی، تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہاں لکھا ہوا آیا تھا کہ لیڈیز موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھے گی، وہ اپنی ضرورت کے لیے بیٹھتی ہے۔ دوسرا، اگر قانون میں کہیں امیونٹی ہے کہ جی لیڈی جب گرے گی سڑک پہ تو اس کا سر نہیں پھٹے گا، اس کے اوپر سر سے گاڑی نہیں گزرے گی اور وہ مرے گی نہیں گر کے، پھر اس کو نہیں پہننا چاہیے، پھر ہم اس کو ایکسکیوز کر دیں۔ امپلیمنٹ کب سے ہو رہا ہے؟ لیکن اگر وہ نہیں مرتی ہے پھر ہم اس کی جان بچانا چاہتے ہیں، ہم اس کو بچائیں گے۔ ابھی ہمارا پلان تھا 1 دسمبر سے امپلیمنٹ کرنے کا، ہم اس کو ایک کمیٹی ہماری اس کو ریویو کرے گی کہ کیا اس میں فردر ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہے یا ہم 1 سے اس کو انفورس کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کو انفورس کریں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے یہ جان لیا ہے کہ 1 دسمبر سے یا تو یہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ انفورس ہو جائے گا یا پھر اس میں ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ ابھی سے جس نے ہیلمٹ لینے ہیں وہ لے لیں، بازار میں پھر جب ہیلمٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ان کے پرائس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیاقت صاحب کا اور فیاض ملک صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری سے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔